अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जावेद इकबाल एवान। पाइथन की सीरीज़ में मैं आप लोगों को वेलकम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन ऑपरेटर्स। पाइथन में जैसे आप बाकी तमाम लैंग्वेजेस में भी ऑपरेटर्स होते हैं, तो पाइथन में भी ऑपरेटर्स हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स पाइथन में जो है सात होते हैं। नंबर वन अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, सपोर्ट करते हैं पाइथन में। रिलेशनल जिसे हम कंपेरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, वो भी इसमें पाइथन में सपोर्ट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, और आइडेंटिफाई आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं ऑपरेटर्स को। सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी जो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का मॉड्यूल का जो साइन होता है वो आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स कहलाता है। हमें सबको मालूम है नॉर्मली अगर हम प्लस का साइन प्रेस करते हैं तो अगर दो स्ट्रिंग होती है तो उसको आपस में अपेंड कर देता है, और अगर दो नंबर्स मिलते हैं तो उसको कैलकुलेट कर देते हैं। माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डिवाइड डिवाइड और मॉड्यूल मॉड्यूल के लिए इस्तेमाल होता है ना। इसको हम वन बाय वन करके देख लेते हैं साथ साथ जुपिटर पर। अब जैसे नॉर्मली अगर हम साइन को यूज़ करना चाहते हैं, हमने कहा 5 + 5 मैंने जैसे दे दिया, और चाहे तो हम इसको प्रिंट देना चाहते हैं। नॉर्मली हम वैसे भी अगर प्रिंट करें तो यहाँ पे अगर हम रन करते हैं एप्लीकेशन को, मैं आप लोग लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि या तो आप रन का बटन प्रेस करते हैं या फिर आप शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो भी इसको रन कर देगा। तो इसने 5 + 5 यानी 10 कर दिया, और अगर मैं 5 - 5 कर देता हूँ तो इसने जो है जो आपके पास आउटपुट आएगा वो 0 का आ जाएगा। इससे अगर मैं 5 × 5 करता हूँ तो 25 हो जाएगा। 5 / 5 करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1.0 यानी डिवाइड कर देगा। और अगर मैं मॉड्यूल निकालता हूँ, मैं अगर 6 को मॉड्यूल करता हूँ 2 से, यानी अगर 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। मॉड्यूल बेसिकली रिमाइंडर को पकड़ता है, तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो जब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 0। यानी अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 होता है। लेकिन अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो 5 modulo 2 करूँगा, तो इसका मतलब 5 तो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो जब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अगर मैं इसके साथ कोई प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ, और मैं इसके साथ कोई भी स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके तरीके का पाइथन में ये होता है कि आपने जैसे प्रिंट दिया और आपने कोई भी स्ट्रिंग मैच करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा एडिशन, तो इसके साथ अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर भी देना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। यानी प्रिंट के दूसरे आर्गूमेंट पे आके आप कोई भी नंबर पास कर दें। आपने कहा एक मिसाल है, आपने कहा 6 + 8 दे दिया, तो अब जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास आउटपुट में एडिशन लिखा हुआ आएगा और साथ में 6 + 8 + 10 कर देगा, मैं 14 का आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट में एडिशन भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ फ़र्क ये होता है पाइथन में, जैसे नॉर्मली हम सीशा वगैरह में जावा में काम करते हैं तो फिर हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं ना, तो क्या करते हैं स्ट्रिंग को अपेंड कर देता है 6 नंबर्स के साथ ना, कैलकुलेशन के साथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके अगर पाइथन में हम काम करते हैं तो पाइथन फिर हमें एक ऑप्शन देता है कि आप कॉमा लगा दें सेपरेटर, और इसके बाद आप कोई भी नंबर्स को कैलकुलेट कर दें तो स्ट्रिंग उसके साथ मैच हो जाएगा और नंबर के साथ कैलकुलेट कर देगा। अगर मैं यही काम अगर प्लस के साथ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यही काम अगर चाहता हूँ, जैसे नॉर्मली हम दूसरी लैंग्वेज में करते हैं सी में या सी प्लस प्लस या सी शार्प में, अब देखिए जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो दोनों साइड पर फिर आपके पास ये भी प्लस आ रहा है वो भी प्लस आ रहा है, तो अगर मैं एंटर करूँगा तो इसने देखा एरर दे दिया। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे आके ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इस ऑप्शन को अगर मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ तो मतलब है प्लस और फिर 6 + 8 कर दे और वो ब्रैकेट में प्रिंट बंद कर देता हूँ तो फिर भी ये एरर दे रहा है। तो इसका मैं पाइथन में जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि अगर मैं किसी भी नंबर्स को, नंबर्स की कोई सीरीज़ है, कोई भी हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन के साथ अगर हम जो है स्ट्रिंग को अगर मैच करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास कॉमा का ऑप्शन आता है, हम कॉमा लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे भी आगे कॉमा लगा देता हूँ और इक्वेशन मैंने लिखी है तो उस इक्वेशन को तो लेगा, यानी ब्रैकेट वगैरह हम सब लेगा, लेकिन प्लस यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता जैसे नॉर्मली दूसरी लैंग्वेज में होता है। तो ये फ़र्क होता है पाइथन में। तो हम कोई भी नई लैंग्वेज पे आते हैं तो उसे हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि आया उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, ताकि हम फर्दर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो फिर वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए इशू क्रिएट करती हैं। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर आप लोगों के समझ में आ गया होगा, अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये भी जैसे नॉर्मली हम दूसरे लैंग्वेजेस में होता है वही कामयाबी होता है कि अगर मैं किसी भी दो चीज़ को मैच करना चाहते हैं तो हमारे पास दो दफ़ा इक्वल का साइन होता है, हम किसी भी दो नंबर्स को मैच कर सकते हैं, और बूलियन होते हैं
तो अगर मैं इसको मैच करूँगा, अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं मैच हो गए तो फॉल्स आ जाएगा। मैच की कंडीशन वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल टू का साइन होता है हमारे पास, नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ पे जो है वो मैच करते हैं, अगर ये इसके बराबर नहीं है, ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, तो अगर इसका मतलब नहीं है तो ट्रू होगा, अगर है तो फॉल्स हो जाएगा। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है, लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, उनका वही काम है जो दूसरी लैंग्वेजेस में होता है, पाइथन में भी वही काम है इसका। तो इसको हम देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स को मैच करना चाहता हूँ, मैं इफ़ की कंडीशन नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि पाइथन इसका इसका बिहेवियर क्या देता है। जैसे हमने कहा एक मिसाल है, हमने कहा फाइव इक्वल टू दो दो व्हीकल, क्योंकि मैं फाइव करता हूँ, जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए ट्रू कर रहा है, इसका मतलब है फाइव वाकई फाइव के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे आके कहता हूँ फाइव इक्वल टू सिक्स, तो इसका मतलब रॉन्ग हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे फॉल्स का आउटपुट आ जाएगा, इसका मतलब नहीं है। इसको हम इफ की कंडीशन लगाते हैं तो उसी हिसाब से ट्रू फॉल्स जनरेट होता है, और फिर वो हमारी कंडीशन के अगेंस्ट में कंडीशन के ब्लॉक में जाता है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ब्लॉक में जाएगा, नहीं होगी तो जो है ब्लॉक से बाहर आके एल्स भी आ जाएगा। तो इसी तरह इफ वाला काम करता है, तो बुलियन होते हैं जैसे बाकी जगह भी होता है। अब मैं कहता हूँ फाइव नॉट इक्वल टू सिक्स, इसका मतलब है ट्रू, ये ट्रू हमें आउटपुट देगा, और अगर मैं फाइव के बराबर करूँगा तो फॉल्स का आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ सिक्स ग्रेटर देन फाइव, तो इसका मतलब सिक्स फाइव से बड़ा है तो ट्रू आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरीके से हम कहते हैं सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर मैं कहता हूँ सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स तो ये हमारे पास जो है वो अपना जो है वो यानी सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव तो सही है, ग्रेटर देन ऐसे मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव कि सिक्स जो है वो फाइव से बड़ा है, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे आके उल्टा चलता हूँ, मैं कहता हूँ फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, तो इसका मतलब है रॉन्ग हो जाएगा, ये हमें फॉल्स का आउटपुट दे देगा, ठीक है जी। और अगर मैं कहता हूँ फाइव ग्रेटर देन सिक्स तो ये तो भी हमें फॉल्स का आउटपुट देगा, लेकिन मैं कहता हूँ फाइव ग्रेटर देन फाइव तो भी फॉल्स का आउटपुट देगा, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे से बड़ा है, इक्वल है, लेकिन फाइव फाइव से बड़ा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ फाइव फिफ्टीन ग्रेटर देन फाइव, तो इसका मतलब है या 45 ग्रेटर देन फाइव, तो ये ट्रू पे आ जाएगा कि बिल्कुल सही है भाई, कंडीशन आपकी जो है वो ट्रू है। इस तरह लेस देन का साइन अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, हमने कहा मिसाल है फाइव लेस देन सिक्स तो ट्रू आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं कहता हूँ लेस देन इक्वल टू तो इक्वल यहाँ लग देगा और ये भी हमें ट्रू देगा क्योंकि बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू वगैरह हम जो है यूज़ करते हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वैल्यू असाइन वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है पाइथन में, मैं साथ साथ समझाऊँगा, जो चंद एक वैरायटी हमारे पास एक्स्ट्रा है। जैसे नॉर्मली इक्वल तो हमें पता है सिंपल से इक्वल कर देगा, हम दो वेरिएबल लेंगे और तीसरे वेरिएबल में उनको प्लस कर देंगे, और अगर उसी काम को अगर मैं प्लस इक्वल टू थ्रू करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ। अगर माइनस करना चाहते हैं तो सी इक्वल टू सी माइनस ए कर दे देंगे, या फिर सी माइनस इक्वल टू वन, तो ये भी हमारे पास सपोर्ट है। अगर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो सी इक्वल टू हमने कहा सी मल्टीप्लाई बाई ए, बिल्कुल सही है। और अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, तो सेम आउटपुट देगा जो कि आपका ये आउटपुट दे रहा है। इस तरह डिवाइड करना चाहते हैं तो सी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, बिल्कुल सही इक्वेशन है। और अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में करूँगा तो इस तरह लिख देंगे सी डिवाइडेड बाई इक्वल टू ए, ये वही सेम आउटपुट देगा जो कि आपके पास ये इक्वेशन दे रही है शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए। फिर अगर हम आ जाते हैं परसेंट के लिए मॉड्यूल निकालने के लिए, तो मॉड्यूल के लिए हम जैसे लिखते हैं सी इक्वल टू सी मॉड्यूल ए, तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो सी मॉड्यूल इक्वल टू ए, ये सेम आउटपुट देगा जैसे वो आउटपुट दे रही है। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा देखें, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास जो है, अगर मैं चाहता हूँ पावर, उसकी पावर निकाले, जैसे फाइव की पावर टू तो मतलब 25, टू की पावर टू का मतलब है 4, थ्री की पावर टू का मतलब है 9, तो यानी उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना उसकी पावर कहलाती है। तो अगर मैं पावर्स के अंदर खेलना चाहता हूँ तो यहाँ भी हम सिंगल स्टेरिक लगाएंगे तो एक पावर निकालेगा, डबल स्टेरिक लगाएंगे तो डबल पावर निकालेगा। यानी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फाइव करता हूँ तो फाइव के साथ टू डबल पावर दूंगा तो फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव, तो इस तरीके से आउटपुट आएगा जैसे नॉर्मली हम यूँ लिखते हैं सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए, तो इसका मतलब उसकी पावर के साथ पावर निकालेगा, तो ये हमें यूँ आउटपुट दे रहा होता है। इससे अगर मैं फ्लोर डिवीजन निकालना चाहता हूँ तो फ्लोर डिवीजन निकालने के लिए हमारे पास जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन लगाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। सो वन बाई वन प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल लिया, ये लास्ट क्लास में मैं वेरिएबल बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। अब जो मैंने कहा ए इक्वल टू हमने कह दिया फाइव
बी इक्वल टू मैंने कर दिया 6। अब मैं इनको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो एक मैंने वेरिएबल ले लिया, हमने कहा सी इक्वल टू ए प्लस बी, और इसके बाद हमने यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया सी को। तो अब जो मुझे आउटपुट आएगा वो 11 का आ जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर मैं अगर सी इक्वल टू ए प्लस बी की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी प्लस इक्वल टू सी प्लस, या यूँ मैं कर लेता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस सी, अब देखें, या सी प्लस ए या ए प्लस सी बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, सी की वैल्यू को अगर यूँ कर देता हूँ तो मेरे पास सी की वैल्यू उसने अभी जनरेट की है 11, तो 11 उस जनरेट हो चुकी है जो कि उसके पास रिसोर्स मेमोरी मौजूद है, वहाँ से आ रही है, तो उसमें उसने जो है वो ए की वैल्यू को प्लस किया जो कि 5 था, तो 11 पहले से जनरेट हो चुकी थी, तो उसने वहाँ से लास्ट वैल्यू से उठाई और उसमें आगे 5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास 16 आ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, वो तो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, कि अब तो मैं उस वैल्यू को नहीं देना चाहता हूँ। तो फिर जैसे हम यहाँ पे आके सी की वैल्यू 0 पास कर देते हैं इनिशियल, अब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब उसमें 5 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये काम अगर मैं इस तरह से नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इक्वेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो हम यूँ लिख सकते हैं सी प्लस इक्वल टू हमने कह दिया ए। तो अब जब मैं यहाँ पे आगे रन करता हूँ तो सेम आउटपुट आएगा, इसका मतलब सी इक्वल टू ए प्लस सी या सी प्लस इक्वल टू ए, दोनों आपके पास जो है वो सेम है। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इसको भी कमेंट कर देते हैं और मैं माइनस कर देता हूँ, तो हम नॉर्मली जो माइनस करते हैं ना, कि हमने कहा सी इक्वल टू और हमने कह दिया सी माइनस ए, तो सी की वैल्यू जो है वो 0, उसमें से ए माइनस करेगा तो आपके माइनस 5 आ जाएगा। और अगर मैं इसको दूसरे शॉर्ट फॉर्म में करना चाहता हूँ तो फिर हम यू कर लेते हैं, हमने कहा सी माइनस इक्वल टू, तो हम यहाँ पे ए कर देंगे, तो ये शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, तो सेम आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो हम डायरेक्ट सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए करेंगे, तो सी की वैल्यू में ए को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाती है। अगर मैं इसको आगे सी की वैल्यू कर देता हूँ 6, तो इसका मतलब अब जो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई करेगा 5 से तो 30 आएगी। तो इसका मतलब है सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए इक्वल, ये सेम वैसे ही हो गया जैसे सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई ए, तो सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 30 आ गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से आ जाता है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मजीद इक्वेशन देखता हूँ डिवाइड के लिए भी, कि आप डिवाइड करने के लिए सी डिवाइड इक्वल टू ए कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे अगर डिवाइड करना चाहते हो तो शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, हमने कहा सी डिवाइड ए, तो उसमें डिवाइड कर देगा। और अगर यहाँ पे आके मैं सी मॉड्यूल ए कर दूंगा तो ये मॉड्यूल निकाल देगा इसके साथ, और मॉड्यूल निकाल के उसके रिमाइंडर शो कर देगा। और अगर मैं इसके एक्स पावर निकालना चाहते हैं तो हमारे पास देखें क्या तरीके है, हमने यहाँ पे 2 दफ़ा स्टैरिक लगाना है। अगर मैं सिंगल स्टैरिक लगाता हूँ, ठीक है जी, तो मैं कहा सी सिंगल स्टैरिक यानी उसकी पावर निकालेगा, तो 6 है, 6 की पावर 36 निकालेगा, और 36 को जो है वो अपना जो है वो यानी 36 देके, फिर इसके बाद आके यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो उसके साथ यहाँ पे जो है वो ऐड कर देगा, तो आपके पास जो फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 30 के। यानी देखिए, इससे ए की वैल्यू थी आपके पास 5, सी की वैल्यू इसको आ गई 6, तो उसने 6 की को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 36 हो गई, और 36 होने के बाद उसने उसमें से जो है इक्वल कर दिया ए को, तो ए की वैल्यू आपके पास 5 थी, तो ये 30 सिस्टम में इसकी वैल्यू थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं सी की वैल्यू कर देता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, और अब मैं इसको आगे रन करता हूँ तो आपके पास देखें 2 की पावर इसने 2 निकाली तो 4 हो गया, पहले असल में वो जो है कैश से वैल्यू ला रहा था, 2 की पावर 2 किया तो 2 था 4 हो गया, और 4 के अंदर आके इसने जो है वो एडिशन कर दिया ए को, तो आपके पास यहाँ पे 10 बना के मैं यहाँ पे डबल पावर लगाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखे इसने क्या किया, 2 2 4, 4 2 8, और 8 को इसने फिर जो है मल्टीप्लाई किया आपके साथ ए के साथ 5 के साथ, सॉरी ये किस तरह से इसका बिहेवियर है मैं थोड़ा आपको समझाने में कन्फ्यूजन हो रही है, कि जैसे हम सी यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके इसको ज़रा ईजिली खुला खुला करता हूँ, मैं इस पर आके हमने कहा सी इक्वल टू सी स्टैरिक स्टैरिक ए, ठीक है जी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास 32 आ रहा है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है, कि सी की वैल्यू को उठाए 2 है उसकी वैल्यू,
टू की पावर को टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू डबल पावर देगा, तो ये हो जाएगी टू टू द फोर, फोर टू द एट, और ए की हमारे पास वैल्यू है फाइव, तो एट और फाइव। और अगर मैं यहाँ पे आकर सी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं ए को ही हटा देता हूँ, तो सॉरी यहाँ पे सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई, अगर मैं सिंगल करके इसको बी से कर देता हूँ तो बी ए सिक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा है ना, सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बी, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई टू और बी की वैल्यू हो गई सिक्स, तो ये तो ट्वेल्व हो गई। और अगर इसको मैं डबल स्टेरिक देता हूँ अब ये आ जाएगा पावर पे, अब इसकी पावर निकालेगा, अब जो पावर निकालेगा तो सी की वैल्यू टू है, टू की पावर टू और फिर मल्टीप्लाई बाई टू, फोर टू एट और फिर सिक्स हमारे पास आके, हाँ सही ना, बिल्कुल सही कर रहा है। देखें मैं आपको समझाता हूँ, टू की वैल्यू सी की वैल्यू टू है, यहाँ से सी की वैल्यू को टू उठाएगा, टू की पावर निकालेगा टू टू द फोर हो जाएगा और फिर उसकी पावर निकालेगा फोर टू द एट हो जाएगा, और बी की वैल्यू सिक्स क्या है सिक्स, तो एट को सिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा सिक्सटी फोर। अब यहाँ देखें मैं अगर इसको वन करता हूँ तो सी की वैल्यू वन है, वन मल्टीप्लाई वन वन ही हो जाएगा, अब उसको जो है फिर मल्टीप्लाई करेगा तो वन ही हो जाएगा, अब उसको सिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ रहा है देखें बी ए सिक्स, तो सिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है वन को मल्टीप्लाई कर रहा है सिक्स सिक्स से, जस्ट अ मिनट, टेन टेन मल्टीप्लाई बाई टेन हंड्रेड हंड्रेड वन थाउजेंड और सिक्स, वो उसी नंबर से सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसको मैं कर देता हूँ मैंने कहा टू। अब आपके पास यहाँ पे टेन की पावर मल्टीप्लाई बाई टेन आपके पास हंड्रेड हो गई, हंड्रेड आने के बाद सी की वैल्यू टेन है, तो सी की वैल्यू में जो कर देता हूँ इसको ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो का मल्टीप्लाई किया से मल्टीप्लाई कर रहा है, इस वक्त ज़ीरो मल्टीप्लाई कर रहा है तो टू आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ वन, तो अब क्या हो रहा है वन की पावर वन वन ही होगी, जितनी बार मल्टीप्लाई वन करेंगे वन ही आएगी, और वन को मल्टीप्लाई कर रहा है वो किसके साथ बी की वैल्यू है टू, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन आ रही है कि उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, यानी सी की जो वैल्यू आ रही है वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रही है बी के साथ, तो सी की वैल्यू हमारे पास हो गई सी की वैल्यू वन, वन की पावर निकाली उसने वन, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ उसको थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री नाइन, सी को टू सी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई थ्री टू थ्री नाइन, और बी की वैल्यू हमारे पास टू, सो ट्वेंटी करता हूँ, सी की वैल्यू थ्री है, थ्री को मल्टीप्लाई किया इसने, एक्चुअली पावर नहीं कर रहा है ये, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है नंबर्स के साथ, यानी सी की को मल्टीप्लाई किया इसने, सी की वैल्यू है थ्री, इसको मल्टीप्लाई किया बी की वैल्यू वन के साथ, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय बी, तो नॉर्मली अगर मैं इसको सिंगल कर देता हूँ तो फिर हमारे पास देखिए थ्री आ रहा है, और अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ तो भी हमारे पास थ्री आ रहा है, अगर मैं इसको थ्री टाइम डबल कर देता हूँ तो ये आपके बाहर देगा, क्योंकि जैसे साइंटिक ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर में आपके पास सिंगल आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे आके थ्री यानी किस तरह से इसको आउटपुट दे रहा है सी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू आपके पास थ्री, बी की वैल्यू है मैं रख देता हूँ टू, तो थ्री मल्टीप्लाई करेगा सी की वैल्यू थ्री, थ्री मल्टीप्लाई करेगा आपके पास
थ्री से नाइन। अच्छा सही 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 सही, अब मैं क्लियर हो गया। देखिए ये किस तरह से इसका बिहेवियर है, हम उसकी पावर दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ देखिए थ्री है, थ्री की पावर टू, यानी इसका मतलब है यहाँ पे आपसे सी ले रहा है, थ्री ले रहे हैं, और दो दफ़ा इस तारीख के बाद जो है जो दूंगा वो उसकी पावर बन जाएगी। यानी अगर आप यहाँ पे आके सिंगल कर देते हैं तो फिर तो सिंगल मल्टीप्लाई कर रहा है सी, मल्टीप्लाई कर रहा है बी के साथ, तो सी की वैल्यू थ्री है, बी की वैल्यू टू है, तो हमारे पास डायरेक्टली सिक्स आउटपुट आ जाएगा ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके डबल कर देता हूँ, ये बेसिकली क्या आएगा, उसकी पावर उठाएगा, यानी थ्री की पावर टू, इसका मतलब है आपके पास आउटपुट क्या आएगा, नाइन आ जाएगा, थ्री की पावर टू। और अगर मैं यहाँ पे आके थ्री कर देता हूँ तो थ्री की पावर थ्री हो जाएगी, यानी थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई थ्री, तो थ्री थ्री नाइन, नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे आके सी की बी की पावर कर देता हूँ फोर, तो इसका मतलब है थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो ट्वेंटी सेवन थ्री जै एटी वन, एटी वन आपके पास आ जाएगा। यानी अब होकर किस तरह से रहा है ये अपना ऑपरेटर, कि आपने क्या किया, उसी नंबर को जो आप पहले नंबर देंगे, अगर आप दो दफ़ा स्टेरिक लगा देंगे तो ये उसकी पावर पे चला जाएगा। सिंगल स्टेरिक लगाएं तो सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा है, दो दफ़ा स्टेरिक करने पर उसकी पावर पे चला जाएगा। और जब उसकी पावर पे जाएगा तो सी की वैल्यू थ्री है, बी की वैल्यू फोर है, तो थ्री की पावर फोर, यानी आपके पास क्या आएगा, थ्री की पावर फोर पर चले जाएगी गाने। तो इस तरीके से 81 जनरेट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोबारा समझाते हैं तो मैं कहता हूँ, समझाया तो क्या, अगर मैं सी की वैल्यू लगा देता हूँ फाइव, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ बी की वैल्यू टू, तो अभी क्या हो जाएगा, फाइव की पावर टू, तो आपको आउटपुट ये आएगा ट्वेंटी फाइव का। और अगर मैं यहाँ पे आके बी की वैल्यू थ्री कर देता हूँ तो फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई फाइव, यह हो जाएगा आपका वन ट्वेंटी फाइव, ठीक है जी। इस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। इस तरह ये फ्लोर निकालना चाहते हैं तो फ्लोर के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं आप इसके अंदर। इसके बाद आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, देखिए बिटवाइज ऑपरेटर्स आपके पास किसी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो बेसिकली बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है, अब देखिए मैं आपको बताऊँ बाइनरी नंबर हम जनरेट कैसे करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 से लेकर 127 तक टोटल 128 आस्की कोड है। आस्की कोड कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब हर नंबर का, हर की का एक आस्की कोड है। जैसे ए का हमारे पास 65 है, कैपिटल ए का, कैपिटल बी का 66 है, और जब ये सीरीज चलती भी आएगी, जब स्मॉल ए पे आएंगे तो 97 है, स्मॉल बी का 98 है, स्मॉल सी का 99 है। तो हर नंबर का एक आस्की कोड है, स्पेस का 32 हो जाता है। तो अब अगर मैं कोई भी नंबर्स के दरमियान में बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करूँगा, बिटवाइज ऑपरेटर सिंगल होता है, एंड के लिए एम पर्सन सिंगल लगता है, और के लिए आपके सिंगल पाइप लगता है, और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो जोर होता है, और फिर शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट, शिफ्ट ऑपरेटर राइट, ये सारे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर मैंने दोबारा पहले बताया था कि बेसिकली क्या करता है, बाइनरी में काम करता है। तो जो भी हम नंबर देंगे पहले उसका बाइनरी निकालेगा, और फिर बाइनरी के अंदर आके अगर मैं एंड लगा रहा हूँ तो बाइनरी में एडिशन करेगा और फिर वो जनरेट करेगा। अब जैसे आपके पास बाइनरी निकालने का तरीकाकार क्या होता है, कि जैसे आपका थ्री है तो या कोई भी नंबर है, बाइनरी की का बेस टू होता है, डेसिमल का बेस टेन होता है। जो हमें नज़र आ रहा होता है ये नंबर है, ये नंबर आपका डेसिमल है, इसका बेस टेन है, और ये जो बाइनरी है इसका बेस टू होता है। तो जब भी किसी बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट पे जाते हैं तो हमें पता है हम डिवाइड करते हैं। तो आप थ्री को डिवाइड करेंगे टू से, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जब आप थ्री को टू से डिवाइड करेंगे तो आपके रिमाइंडर क्या आएगा। जब मैंने थ्री को डिवाइड किया टू से तो टू वन था टू, वन रिमाइंडर हो गया, तो हमारे पास इसका बाइनरी क्या जनरेट हुआ, वन वन। इस तरह अगर मैं फोर को डिवाइड करता हूँ टू से तो टू टू ज़ा फोर, जीरो हो गया रिमाइंडर, कुछ भी नहीं बचा, फिर टू टू वन ज़ा टू, जीरो रिमाइंडर हो गया। तो आपके पास जो बचेगा वो बनेगा वन डबल ज़ीरो, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ उसको रीड करते हैं, ठीक है जी। मैं इसको ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमारा इतना खास टॉपिक, इतना इसका फोकस नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे आके जो है वो कोई भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर पे आके मैं इसको आपको करके दिखाता है काम, लेकिन आपने सब यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा। तो बेसिकली क्या होता है, बाइनरी नंबर हर एक का अलग अलग देते हैं हम लोग, तो टू से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर होता है उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ रीड करते हैं तो उसका बाइनरी नंबर होता है। अब जैसे आपके पास थ्री का बाइनरी नंबर आ गया 011 और फोर का बाइनरी नंबर आ गया 100, अगर मैं इसको दोनों को एंड लगा के प्लस करूँगा, एंड लगाएंगे, यानी एंड का मतलब है व्हेन बोथ कंडीशन इज ट्रू देन आवर रिजल्ट इज ट्रू। अगर मैं ऊपर रख देता हूँ 011, नीचे रखता हूँ 100, तो 10 फॉल्स 0 आ गया, ठीक है जी, 10 फॉल्स 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 है 01, आपके पास 0 हो गया, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा आपका 0। अब अगर इसको मैं प्रैक्टिकली करके देखता हूँ
और मैं यहाँ पे आगे प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग, तो हम कहता हूँ थ्री एंड फोर, जैसे मतलब थ्री और फोर का, अब जब मैंने एंड लगा दिया, ये एम्परसेंड का साइन लगा दिया, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं है तो। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे आके इसका जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर में आएगा, तो इसका भी बाइनरी निकालेगा, इसका बाइनरी निकालेगा, दोनों को चेक करेगा, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऑल लगाता हूँ, अब देखें मैंने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया, टू टू का बाइनरी क्या है, 10, सिंपल सी बात है, टू को मैं टू से डिवाइड करूँगा तो टू वन जै टू हो जाएगा, रिमाइंडर आपका जीरो बच गया, तो वो क्या हो गया 10, ठीक है जी। थ्री का बाइनरी में आपको होता है 1, 1 होता है, यानी टू को थ्री को आप टू से डिवाइड करेंगे, टू वन जै टू, वन बचा तो 1, 1 हो गया। अगर मैं ऑल लगाता हूँ, और का मतलब है वैन एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन आवर रिजल्ट इज ट्रू, कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों ट्रू होती है तो भी वो ट्रू ही करेगा और के अंदर। अगर मैं ऊपर 10 रखता हूँ 10, नीचे रखता हूँ 11, तो 10 चूँकि हमने ऑल लगा रहे हैं तो इसका मतलब है वो ट्रू हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 11 दोनों ट्रू हो गए तो भी इसको 1 कर देगा, यानी ट्रू हो जाएगा आपके पास। तो जब आप इसको रन करोगे तो जब दोनों 1 हो गया, इसका आप जब डेसिमल कन्वर्ट करते हो, अच्छा डेसिमल कन्वर्ट करना मैं समझा दूँ, डेसिमल जब बाइनरी नंबर जनरेट हो गया, अब आप उसका डेसिमल निकालना चाहते हो, तो सीरीज ये होती है कि आप यहाँ से शुरू करते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसकी नंबर भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 से जो है मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो गया आपके पास। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा 2 की पावर 0 1, यानी जब डेसिमल में काम करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, फिर 2 की पावर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 2 की पावर जब 0 मल्टीप्लाई हो गए 1 से, तो 1 किसी नंबर की पावर 0 तो 1 हो गई, तो 1 मल्टीप्लाई 1 आपके 1 हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो इसका मतलब आपके पास जो है वो 4 आ गया, 2 की पावर 1, यानी पहले तो आपके पास आ गई 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई की 1 से, तो इसका मतलब है 2 की पावर 0 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 1, इसके बाद जो दूसरा नंबर जनरेट होगा वो होगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब है 2 जब मल्टीप्लाई करें 1 से तो इसका मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 में जब मैं 1 प्लस करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास 3। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और 3, हमने कहा 2 और 3, तो अब आपके पास आउटपुट क्या आएगा, इसको मैं रन करता हूँ तो आपके पास क्या आ रहा है, 3 का आउटपुट आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास बाइनरी जो है बिटवाइज ऑपरेटर चाहे किसी भी लैंग्वेज में काम करो इसी तरह से काम करता है। फिर आता है जोर। जोर क्या होता है, जस्ट लाइक और की तरह काम करता है, लेकिन उसमें एक फ़र्क होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो वो फॉल्स हो जाता है, यानी ये वही लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम नॉर्मली जो है वो आपके पास हम जो है वो फिजिक्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स इस तरह से काम होता है इसके अंदर कि जोर जो होता है वो और का अपोजिट एक लाज से होता है, सिमिलर टू और है, यानी कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू करेगा, लेकिन जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये फॉल्स कर देता है, ठीक है। दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो ये फॉल्स कर देगा। अब जहाँ पे आपके पास दोनों में 1 आ गया तो ये 0 कर देगा, और बाकी अगर एक में 1 है एक में 0 है तो ये 1 ही करेगा, एक में 0 एक में 1 है तो ये 1 ही करेगा, यानी और की तरह काम करेगा, लेकिन जहाँ दोनों ट्रू हो जाएगी तो ये फॉल्स पे हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे अगर मैं 2 का बाइनरी निकालता हूँ तो 10 आता है, 3 का बाइनरी अभी हमने पढ़ा 11 आता है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ जोर तो ये आपके पास आउटपुट 3 नहीं आएगा बल्कि 1 आएगा। कैसे आएगा देखें, अब जब मैं यहाँ पे आके दोनों को एडिशन करता हूँ तो ऊपर रखता 10, नीचे रखता 11, 101 सही है, फिर दोनों 1 हो गए तो ये क्या करेगा 0, क्योंकि जोर है और के अपोजिट एक ही मामले में अपोजिट है कि जब दोनों ट्रू हो जाते हैं तो ये फॉल्स हो जाता है, तो यहाँ पे 01 हो जाएगा। जब 01 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे जब इसको कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 की पावर 0 का मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 बन जाएगा, फिर बाद में लिखूंगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 1 आ गया, तो आउटपुट क्या आएगा 1। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हमने कहा 2 जोर आपके पास 6 के साथ शिफ्ट के ऊपर होता है, यानी शिफ्ट के साथ आप 6 प्रेस करोगे तो जोर आता है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है, 1 का आउटपुट आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा,
फिर आते हैं हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है देखें, अगर मैं इसको मूव करता हूँ, अब हमें पता है ये बिट वाइज या बाइनरी में काम कर रहा होता है, शिफ्ट ऑपरेटर भी आपके पास बाइनरी में काम करता है। मैं अगर किसी भी नंबर को पीछे की तरफ धकेलूँगा, जब मैं किसी भी नंबर को पीछे की तरफ धकेलूँगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं उसको राइट हैंड साइड पर आगे लेके जाऊँगा तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल 100 है, अब 100 अगर बाइनरी है तो इसको अगर मैं पीछे धकेलूँगा तो ये एक एक दफ़ा धकेलूँगा तो 1000 हो जाएगा। टू टाइम अगर मैं उसको पीछे करूँगा तो क्या हो जाएगा, 10000 हो जाएगा। और अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में मूव करता हूँ 100 को, तो वो 100 से 10 बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं 2 को जो है यहाँ पर आके, और मैं इसको अगर इसको मैं जो है शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट की साइड में मूव करता हूँ, तो क्या करेगा, जो उसकी वैल्यू है, अब उसकी वैल्यू क्या है, बाइनरी है इसका 10, जब ये आगे मूव करेगा तो इसके आगे 20 और लग जाएंगे तो ये बन जाएगा 1000। और जब 1000 इसको नहीं पढ़ेंगे अब क्योंकि ये बाइनरी है, हम इसको पढ़ेंगे 1000। जब 1000 पढ़ेंगे तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0, सब 0 हो जाएगा। और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो 2 की पावर 4 पे आ जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 8। अगर मैं यहाँ पे आकर 2 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ तो 8 आ रहा है। अब दोबारा समझा देता हूँ, देखिए 2 का बाइनरी है 10, ठीक है जी, 2 का बाइनरी है 10। जब ये इसको बैक साइड पे यानी लेफ्ट ऑपरेटर में पीछे की तरफ देखे लेगा, तो जब पीछे लेके जाएगा तो मैंने इसको लिखा है 2 टाइम पीछे करना है, 2 टाइम उसको पीछे ले जाना है नंबर को। जब इसको 2 पीछे वाले बॉक्सेस में लेके जाएगा, तो पिछले 2 बॉक्सेस में लेके जाएगा तो लाजिम बात है, जब कुछ जहाँ खाली होता है तो वहाँ 0 होता है, जहाँ ब्लैंक होता है वहाँ 0 होता है, तो ये बन जाएगा 1000। अब जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये तो वैल्यू 8 है जो कि डेसिमल वैल्यू है, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे लिखेगा 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। ये हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0 0, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि बन जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा 8। अब जानते क्या, अगर मैं इसको 2 को मूव करता हूँ 1 टाइम, तो जब 1 टाइम मूव करूँगा तो अब आपके पास आउटपुट देखता हूँ तो 4 आ रहा है। कैसे 4 आ रहा है कि 2 है 10, और 10 का 1 टाइम मूव किया तो ये 100 बन गया, 100 बन गया, तो 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 दोनों 0 पे मल्टीप्लाई होंगे, फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा 4। अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, दो दफ़ा रिटर्न करके इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो इसका मतलब है जो आपके पास 10 है, 10 2 की वैल्यू क्या है 10 जब आगे की तरफ मूव करेगा तो 0 पहले कटेगा फिर 1 भी कट जाएगा, तो आपके आउटपुट क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 आ जाएगा आपके पास आउटपुट। और अगर मैं यहाँ पे अगर 2 को 1 टाइम मूव करता हूँ राइट साइड पर, तो इसका मतलब 100 था 10 जाएगा, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 10 को जब मल्टीप्लाई करेगा 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1, तो मतलब 2 आउटपुट आ जाएगा आपके पास, यानी 1 आउटपुट आ जाएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। दोबारा समझा देता हूँ, 2 की पावर 2 का बाइनरी था 10 को आपने जब 1 साइड मूव किया तो 0 कट गया, पीछे बच गया 1, जब 1 बच गया तो 2 की पावर 0 जो कि ऑलरेडी 1 होता है वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बन जाएगा आपके पास 1, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे ये ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। फिर हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे हमने वहाँ पे लगाया बिटवाइज ऑपरेटर में हमने एंड लगाया, तो हमने सिंगल एम्परसेंड लगा दिया तो वो एंड बन गया, वो बिटवाइज में काम करेगा। और अगर मैं यहाँ पर आके लॉजिकल ऑपरेटर में करना चाहता हूँ तो फिर हम ए एन डी एंड लिखते हैं, काम ये वही करता है, व्हेन बोथ कंडीशंस ट्रू देन आवर रिजल्ट इज ट्रू। और लगाने के लिए जैसे हमने वहाँ पे पाइप लगाया था, हम ओ आर लिखते हैं, तो ये भी वही काम करेगा कि व्हेन एनी वन कंडीशन ट्रू देन आवर रिजल्ट इज ट्रू। और नॉट का मतलब है उसका अपोजिट है ना, रिवर्स में आ जाता है, तो इसमें भी जो आप काम करते हैं तो इसमें फिर हम बाकायदे ए एन डी लिखते हैं, तरीका कर वही है काम करने का। अब जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, हमने कहा ए इक्वल टू हमने कहा 5 और बी इक्वल टू मैंने कह दिया 6। अब मैं कहता हूँ ए एंड बी, ठीक है जी। अब मैं इसको रन कर देता हूँ तो आपके पास देखिए वो तो वैल्यू 6 पे ला रहा है, क्योंकि ए से हटा के बी ला रहा है। लेकिन अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ तो मैं यूँ लिख देता हूँ कि इसको
और इसको हम देते हैं, हम कंडीशन लगा लेते चलें, ठीक है। हमने कहा या फिर वैल्यू देते हैं, हमने कहा इफ़ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू, हमने कह दिया 5, इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं, ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 5। अब जब मैं यहाँ पे आके एंड लगा रहा हूँ, तो जब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो अब आपके पास यहाँ पर आके उसने इक्वल टू 5 और बी लाइन 1 कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर एंड। अच्छा चलो फिर हम इसको कंडीशन भी करते हैं, हमने कहा इफ़ मैं इसको ए इक्वल टू 5 और बी, इसको मैं ऊपर ही ले आता हूँ, दो वेरिएबल बना लेते हैं, ए और बी दो वेरिएबल हो गए। अब मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ, इफ़ की कंडीशन मैं इसके बाद में समझाऊंगा, लेकिन अगर आप चूँकि यहाँ पर आ गई है तो मैं इसको असल में एक्सप्लेन किस तरह करना है, तो मैं इसलिए इफ़ की कंडीशन लगा के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एंड कैसे काम करता है। अब मैं कहता हूँ इफ़ ए, तो यहाँ पे क्या होता है, इफ़ के बाद कोई ब्रैकेट नहीं लगती, कोई अपना जो है राउंड ब्रैकेट नहीं होती, कोई कर्ली ब्रैकेट का ब्लॉक नहीं होता। मैं कहता हूँ इफ़ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5, यानी ए की वैल्यू भी 5 है और बी की वैल्यू 5 है, तो फिर हम यहाँ पे लास्ट में कॉलन लगाते हैं। कॉलन का मतलब ये है कि अब जो हमारे पास वो जो कर्ली ब्रैकेट का काम होता है वो हमारे पास यहाँ पे कॉलन करता है। तो फिर मैंने कहा उस सूरत में आपने कहा प्रिंट कर दो यस। अगर मैं इसके साथ एल्स लगाना चाहता हूँ, तो इसमें ऐसे होता है कि आपने एल्स लगाया और एल्स लगा के आपने यहाँ पर आके वही कॉलन लगाया और फिर मैं यहाँ पर आके प्रिंट करता हूँ, यानी कॉलन आपका काम काम करता है कल्टी बैक। ये मैं बहुत डिटेल में समझाऊँगा आगे जब मैं इस पर आऊँगा, तो मैंने कह दिया नो। अब जब मैं इसको आगे रन कर देता हूँ, हमने कहा अच्छा मैच कर रहे हैं तो दो दो व्हीकल आएगा ना, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, वो खैर वहाँ भी हो जाता है दो दो व्हीकल। अच्छा ए इक्वल टू 5 यानी ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 5 है, तो एंड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, यस। अगर मैं यहाँ पे आके बी की वैल्यू चेंज करके 50 कर देता हूँ, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा, नो। तो इसका मतलब यहाँ पे एंड वही काम कर रहा है जो कि आपके वापस काम कर रहा था एम परसेंट का साइन, जैसे हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे दो दो एम परसेंट लगा लेते हैं ना, और उसको अगर मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, तो ये आपके पास पाइथन में सपोर्ट नहीं है। पाइथन में आपको या तो बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करेंगे, या फिर आप जो है लॉजिकल ऑपरेटर में इस तरह से ए एन डी एंड लिखेंगे। तो अब आपके पास जो आउटपुट देगा, तो इसने कह दिया नहीं बिल्कुल जो है वो ए की वैल्यू 5 है, बी की 50 है, तो उससे मतलब दोनों मैच नहीं कर रहे, तो सबसे आउटपुट दे दिया नो। अगर मैं यहाँ पे आके लगा देता हूँ और, तो कोई भी एक कंडीशन मैच करेगी तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, जैसे मैच हो जाएगी तो ये आगे नहीं पढ़ेगा और आपको आउटपुट क्या दे देगा, यस का आउटपुट दे देगा, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे आके बी की ए की वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, तो सब मतलब आपको आउटपुट आएगा नो, क्योंकि कोई भी कंडीशन फॉल्स है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए तो ये हमारा और जो है दोनों फॉल्स पे फॉल्स हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, नॉट जो है डायरेक्टली आप जो है नॉट जीरो नॉट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको पास करने के तहत कर सकते हैं। फिर आते हैं मेम्बरशिप ऑपरेटर्स। मेम्बरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है, बड़े काम की चीज़ है। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, अब उस स्ट्रिंग के अंदर मैं कोई अल्फ़ाबेट को चेक करना चाहता हूँ, बेसिकली चेकिंग करने के इस्तेमाल होता है, तो आई एन इन यूज़ होता है। इनका मतलब है सिंपल से इंग्लिश का लफ्ज़ है, पाइथन इंग्लिश के ऊपर काम करता है, इंग्लिश वर्ड्स पे, कि अगर वह है इन है तो ट्रू कर दो, नहीं है तो फॉल्स कर दो, ठीक है जी। तो मैं क्या लिखूँगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, हमने कहा एक्स इक्वल टू, हमने कहा जावेद, ठीक है जी। अब मैं चेक करना चाहता हूँ, अब मैं एक स्ट्रिंग को चेक किया, हम चेक करना चाहते हैं क्या यहाँ पे डी है, तो मैं लिखूँगा डी इन एक्स, तो जब मैं आउटपुट देखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रू, इसका मतलब है डी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर आके देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, हमने कहा एस दे दिया, जो कि इसमें नहीं है, इस वर्ड में एस नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स कहेगा, नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वो होता है नॉट इन, तो आप यहाँ पे आके जहाँ पे इन के साथ लगा दोगे नॉट इन, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो सही बात है एक्स नहीं है, तो अब ये ट्रू करेगा कि एस नहीं है, नॉट इन एक्स नहीं है, तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है जी। सर लास्ट में हमारे पास होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि उसकी टाइप को चेक करता है।
अगर मैं इस आई एस इज इस्तेमाल होता है और इज नॉट इस्तेमाल होता है हमारे पास, मैं दो नंबर्स को मैच करता हूँ, हम कहते हैं फाइव इज फाइव, ठीक है जी, हमने इज लिखा तो ये आपका आउटपुट देगा ट्रू, तो दोनों नंबर भी है और दोनों की वैल्यू भी सेम है तो कहेगा बिल्कुल ट्रू। अगर मैं यहाँ पे आके फाइव की साथ 55 कर देता हूँ और इस फाइव, तो ये कहेगा फॉल्स कि वो एक तरफ 55 है एक तरफ फाइव है, ठीक है जी, यानी एंड के तौर पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों साइड फाइव मिला तो इसे ट्रू कर दिया, लेकिन अगर इसको फाइव में किसी एक फाइव को स्ट्रिंग कर देता हूँ तो ये क्या कहेगा, नहीं फॉल्स, ये आपको फ़ौरन कहेगा फॉल्स, इसका मतलब है वो टाइप भी चेक करेगा, ठीक है जी, वैल्यू भी चेक करेगा और साथ में टाइप भी चेक करेगा। और इसी तरीके से हमारे पास नॉट इज़ अगर हम लगाना चाहते हैं, हमने कहा नॉट इज़, तो अब नॉट इज़ जब लगाएंगे तो ये इसका मतलब है नहीं है, ट्रू हो जाएगा, नहीं है तो ट्रू कर देगा आपके पास, इज़ नॉट, सॉरी इज़ नॉट, हमने कहा इज़ नॉट, क्योंकि ये ऑपरेटर ऐसे है कि बहुत कम यूज़ होते हैं, तो हमारे पास फाइव इज़ नॉट फाइव, तो इस मतलब इससे आउटपुट कर दीजिए हमारे पास ट्रू। तो ये वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो बेसिकली जो है वो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, और कई जगहों पे हर प्रोग्रामिंग में कदम कदम पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। इनमें कुछ ऐसे हैं, अब जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है इज़ और इज़ नॉट, ये भी इस्तेमाल होता है, हम इसको एंड की जगह यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन मेरी एक लॉजिक है मैं एंड ही ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ, तो मैं इस पर नहीं जाता हूँ, तो लेकिन जो नए प्रोग्रामर्स है उसको ये आसान लगेगा कि यार क्या ज़रूरत है ए एंड डी एंड लिखने की, इस करके चेक हो तो रहा है, क्या मसला है। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हमें पाइथन हमें सपोर्ट करता है, और इन ऑपरेटर्स पर हमारी बहुत अच्छी तरह गिरफ्त होनी चाहिए ताकि हम उसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, ताकि जब कोई भी एप्लीकेशन बनाने में आते हैं तो उस वक्त हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम फौरी तौर पर जो है वो हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ऑपरेटर से समझ में आ गए होंगे, तो इसको स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और अगर मेरी ये वीडियो समझ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स वो करें जो जिसका आप मुझसे कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स की शक्ल में पूछें, अगर आप कोई किसी और टॉपिक पर रिकॉर्डिंग चाहते हैं वो कमेंट्स की शक्ल में लिखें, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसके अगेंस्ट में जो है वो डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या कौन सी रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये सीरीज़ मेरी चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला, और मैं इसको एंड तक जो है वेबसाइट तक और सॉफ्टवेयर तक लेके जाऊँगा इंशाल्लाह ताला, तो साथ साथ चलती रहेंगे। तो मेरे दोबारा कह रहा हूँ कि मेरा पसंद आया चैनल तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को मेरे लाइक और कमेंट्स करें, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और कोई भी पूछना हो तो उसमें कमेंट से पूछे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं कोई तैयारी करके या इस तरह से नहीं बैठता हूँ, मैं जब कभी काम करने बैठता हूँ तो एक मैंने जैसे ये मेरे पास पढ़ाने के लिए क्लासेस में पढ़ाने के लिए एक पावर पॉइंट की स्लाइड मैंने बनाई हुई थी, तो उसी को मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो नहीं इतना टाइम नहीं कि मैं पहले प्रैक्टिस करूँ फिर इस पर आ जाऊँ। तो यहाँ पे अब आपके सामने आ रहा है कि अगर कोई भी एरर आता है तो अगर मैं फंसता हूँ तो इससे मतलब मैं उस एरर से निकलता हूँ, तो आप भी वैसे उससे निकलो, अपनी लॉजिक को क्लियर करके निकलो, तो इंशाल्लाह साथ साथ आपके समझ में आता रहेगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो बारे में, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।